हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, व्हाट इज इंडिजिनस वॉइस रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले हम लोग एक बार ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके हम लोग देखें, इधर हो जाता है साउथ, इधर हो जाता है ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा हमें। देखिए, ये इंडिया है अपना। ऊपर में नॉर्थ, इधर में ईस्ट, इधर में साउथ, इधर में वेस्ट, और ये हमारा साउथ ईस्ट में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हमें मिल जाएगा। तो यहाँ की बात हो रही है। अब देखते हैं बात क्या हो रही है। चलिए, ऑस्ट्रेलियंस विल वोट इन अ रेफरेंडम ऑन अक्टूबर 14 टू डिसाइड वेदर द कंट्रीज इंडिजिनियस पीपल शुड बी फॉर्मली कंसल्टेड इन मेकिंग लॉज। तो क्या यहाँ के इंडिजिनियस लोगों से, जो ट्राइब्स हैं, उनसे बात किया जाए लॉ मेकिंग में कि नहीं, इसके लिए रेफरेंडम हो रहा है। द रेफरेंडम क्वेश्चन रीड्स, अ प्रपोज्ड लॉ टू ऑल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिकॉग्नाइज द फर्स्ट पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बाई एस्टेब्लिशिंग एन एब्रोजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइसलैंडर वॉइस, डू यू अप्रूव दिस प्रपोजल अल्टरनेशन। ये उसका स्टेटमेंट है। अ रिसेंट यूगोव पोल हैज फाउंड दैट द रेफरेंडम इज अनलाइकली टू पास। तो हो सकता है ये पास ना हो रेफरेंडम। क्यों, क्या है, देखते हैं। द फर्स्ट पीपल, दिस एक्सप्रेशन एंड द वर्ल्ड Aboriginal refer to indigenous inhabitants of the continent, people who lived on the Australian mainland and surrounding island for 10 of the thousands of years before the first European arrived in the early 17th century. तो यहाँ पे जो originally लोग 10,000 साल पहले से रह रहे mainland में और उसके आसपास के island में, उनको the first people aboriginals indigenous बोला जा रहा है। The referendum. The referendum asks whether the body called the Indigenous Voice to Parliament should be set up to advise lawmakers on the matter that impact the lives of the first people. तो क्या यहाँ पे उन लोगों की लाइफ को जो इम्पैक्ट करता है चीज़ें, उनकी वॉइस उसमें होनी चाहिए। The Aboriginals find no mention in Australia's 122-year-old constitution. तो जो इनका 122 साल पुराना constitution है, उसमें इन लोगों का कोई mention नहीं है। Aboriginal people make up to about 3.2% of Australia's population and track below national average on most socio-economic measures. According to the government booklet containing information that would help people make the choices on whether to support or to reject the vote Indigenous Australian have, a life expectancy 8 years shorter than the non-Indigenous Australian, worse rate of disease and infant mortality, a suicide rate twice as the high as non-Indigenous. तो इन लोग के साथ प्रॉब्लम देखिए, लाइफ इनकी एक्सपेक्टेंसी कम है, इनके पास डिजीज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट ज़्यादा है, और इनका सुसाइड किलिंग रेट इंटू ट्वाइस है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो अ टफ बैटल। एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अल्ट्रेशन इन ऑस्ट्रेलिया रिक्वायर अ नेशनल रेफरेंडम, वोटिंग इन कंपल्सरी फॉर ऑल अडल्ट। फॉर द रेफरेंडम टू बी पास, मोर देन 50% ऑफ द वोटर्स मस्ट वोट इन फेवर नेशनली, प्लस द मेजोरिटी ऑफ द वोटर इन द मेजोरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स। The Labour Party of Prime Minister Anthony Albanese also has pushed strongly for a yes vote. The Minister of Indigenous Australian Linda Burney has said the referendum is about drawing a line on the poor outcome from the long legacy of failed program and a broken policy and listening to Aboriginals and Torres Strait Islander people. However, opposition parties like the Liberal Parties of Australia and the Nationals have opposed the referendum. The No campaign has argued the detail of the proposed body, said such as an member it would include, their power etc. have not been made clear. This is also an argument, but saying yes would amount to divide Australian society on the line of race. Okay, exam point of view से अगर हम लोग इसमें देखें, हमारे लिए क्या important हो जाता है, तो देखिए, सबसे पहले ये आपका referendum हो रहा है, ठीक है, और ये नेशनल लेवल पे हो रहा है। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है हमें, तो वो कैसे होगा, देखिए, फॉर अ रेफरेंडम टू बी पास्ड, मोर देन 50% ऑफ वोटर्स मस्ट वोट इन फेवर ऑफ नेशनलिटी प्लस द मेजोरिटी ऑफ वोटर इन मेजोरिटी ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स, ये इसका कंडीशन हो जाता है, ठीक है। अब लेबर पार्टी कह रही है यस, यहाँ पे यस वर्सेस नो। अब इसका आर्ग्यूमेंट देखिए, यस हो रहा है कि जो अभी तक रॉन्ग डूइंग हो रहा था,
किसके साथ? ओरिजिनल्स के साथ, एब ओरिजिनल्स के साथ, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा। और नो किस लिए कह रहे हैं? कि ये फॉल्ट लाइन को आपका और एक्सप्लॉइट करेगा। कैसे फॉल्ट लाइन को कैसे एक्सप्लॉइट करेगा? सोसाइटी को डिवाइड करेगा ऑन लाइन ऑफ रेस, ठीक है, लाइन ऑफ रेस पे सोसाइटी को डिवाइड करेगा। पर मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? अब देखिए, सबसे पहले द फर्स्ट पीपल, ये एबोरिजिनल्स इनको बोला जाता है, इंडिजिनस है, जो 10K ईयर्स से वहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल्स बिफोर कमिंग ऑफ यूरोपियन। अब वो बस आपके देखिए 3.2% है, 3.2% है आपके ये, ठीक है। और इसमें एक और चीज़, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 122 ईयर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, 3.2% है आपके एबोरिजिनल्स। और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए 8 साल कम है, उनका डिजीज और इन्फेंट मोर्टेलिटी सबसे खराब है, सुसाइड रेट ट्वाइस है उनका एज कम्पेयर टू दी अदर्स। तो यहाँ पे फॉल्ट लाइन क्रिएट होने की कोई बात ही नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत एक खराब सिचुएशन में रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, और लोगों को यहाँ पे सही वोट भी करना चाहिए यस में, कि हाँ भाई उनसे भी तो पूछो, उनका घर था, हम वहाँ पे इन्वेड करके रह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक बार इसका ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्या ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन है। देखिए ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया, इसके आसपास, इसके पोर्ट, इसके स्ट्रेट्स हमें काफ़ी देखते रहने चाहिए। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमें, इसके कितने प्रोविंस है, आप देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न क्वींसलैंड, नॉर्थ साउथ वेल्स एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर आपको, और ये विक्टोरिया इनका वो मेलबोर्न आपका हो गया, अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ये सारे एबोरिजिनल्स हमने देख लिए, क्या क्या उनके साथ गलत हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।